नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जरूरतमंद लोगों के लिए दीदी की रसोई ट्रस्ट ने किया निशुल्क भोजन का वितरण, गंगेश्वर दत्त शर्मा। नोएडा में 30 दिसंबर 2023 को जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगी दीदी की रसोई ट्रस्ट ने ट्रस्ट के अध्यक्ष ऋतु सिन्हा, ट्रस्ट की वरिष्ठ पदाधिकारी सविता देवी व कोषाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा के नेतृत्व में मजदूर बस्ती शिवनगरी सेक्टर 17 नोएडा पर जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारे का वितरण किया। इसी तरह ट्रस्ट की वरिष्ठ पदाधिकारी मीरा गुप्ता के सहयोग से शनि मंदिर सेक्टर 14A नोएडा पर भोजन वितरण किया गया। वक्त दोनों जगह पर सैकड़ों जरूरतमंद लोगों ने भोजन ग्रहण किया। इस अवसर पर दीदी की रसोई ट्रस्ट के अध्यक्ष व समाज सेविका ऋतु सिन्हा, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि हमारी संस्था लगातार गरीब जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगी रहती है और संस्था की ओर से अलग अलग स्थानों पर प्रतिदिन गरीब जरूरतमंद लोगों बच्चों को भोजन का वितरण किया जाता है और हमारा यह प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेगा। दीदी की रसोई ट्रस्ट के द्वारा गरीब जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण के कार्य को लोगों ने काफी सराहा और टीम का धन्यवाद भी व्यक्त किया। शर्मा कोषाध्यक्ष दीदी की रसोई ट्रस्ट के माध्यम से गरीब जरूरतमंद बच्चों को जो भोजन का वितरण शिवनगरी सेक्टर 17 में किया जा रहा। भोजन का वितरण हमारे ट्रस्ट की अध्यक्ष ऋतु सिन्हा जी, ट्रस्ट की पदाधिकारी सविता आदि लोग कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम जो है दीदी की रसोई के माध्यम से रोज कहीं ना कहीं होते हैं। आज शिवनगरी सेक्टर 17 पर जो है फिर जो है भंडारे का कार्यक्रम है, सैकड़ों जो है बच्चों को भोजन वितरण किया गया और अभी भी भोजन का वितरण चल रहा है और निरंतर हमारा क्रम लगातार जारी है और आगे भी यह क्रम चलता रहेगा। गंगेश्वर दत्त शर्मा कोषाध्यक्ष दीदी की रसोई ट्रस्ट के द्वारा शनि मंदिर सेक्टर 14A पर जो है भोजन का वितरण किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम लगातार होते हैं। आज भी शिवनगरी पर भी बांटा गया और जो शनि मंदिर सेक्टर 14 पर भी अभी भोजन का वितरण हो रहा है। हमारी टीम की अध्यक्ष ऋतु सिन्हा, मीरा गुप्ता जी, सविता जी जो भोजन वितरण कर रही है और इस तरह के कार्यक्रम लगातार दीदी की रसोई के माध्यम से चलते रहते हैं और आगे भी हमारे क्रम लगातार जारी है। गंगेश्वर दत्त शर्मा कोषाध्यक्ष दीदी की रसोई ट्रस्ट के द्वारा श्रीनगरी सेक्टर 17 पर जो है भोजन का वितरण किया जा रहा। बच्चे लोग जो है भोजन ले रहे हैं, लाइन में लग करके जो है हमारे ट्रस्ट की अध्यक्ष ऋतु सिन्हा जी जो है जिनके नेतृत्व में जो है भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, वो खुद जो है भोजन वितरण करा रही है। हमारे ट्रस्ट के साथी है सविता, वो भोजन वितरण करा रही है। इस तरह के कार्यक्रम दीदी की रसोई के माध्यम से लगातार रोज कहीं ना कहीं होते रहते हैं। आज शिवनगरी सेक्टर 17 पर जो है भोजन का वितरण है और एक क्रम हमारा निरंतर जारी है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। और अभी दीदी की रसोई की ब्रांचें कई शहरों में खुली है। अभी उड़ीसा और कलकत्ता में जो है नए साल पर जो है दीदी की रसोई की दो ब्रांचें जो खुलने जा रही है। हमारे ट्रस्ट की अध्यक्ष ऋतु सिन्हा जी है जो अभी कलकत्ता और उड़ीसा जा रही हैं जो है नए साल पर जो है दो जगह जो है दीदी की रसोई ब्रांच का जो है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।